भोजपुर जिले की नवादा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नवादा थाना क्षेत्र के धोबीघटवा मोड़ के पास पुलिस ने मंगलवार को घेराबंदी कर स्विफ्ट कार जब्त किया। एसपी सुशील कुमार के निर्देश पर यह छापेमारी हुई थी। पुलिस ने कार में चेकिंग की तो 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 1 कट्टा और गोली भी बरामद किया है। गाड़ी में छुपा कर रखा गया 1 कट्टा व कारतूस पुलिस के हाथ लगा। गिरफ्तार लोगों में उदवंतगढ़ थाना क्षेत्र के सबलपुर बेहरा गांव निवासी विकास कुमार, नारायणपुर थाना क्षेत्र के खेड़ी गांव निवासी अशोक कुमार, नारायणपुर थाना क्षेत्र के ही धोबड़ी गांव निवासी छोटू कुमार, चांदी थाना क्षेत्र के जुगटा गांव निवासी अशोक सिंह एवं हीरालाल सिंह हैं। पुलिस को शक है कि किसी बड़ी घटना को यह लोग अंजाम देने वाले थे। सभी की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस उनसे पूछताछ करने में लगी हुई है। पुलिस ने स्विफ्ट कार भी बरामद कर लिया है। कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। पुलिस चारों का हिस्ट्री खंगाल रही है। हालांकि परिवार के लोग निर्दोष बता रहे हैं, लेकिन पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली थी कि गाड़ी में हथियार है।